ओम शांति। आज 11 मई 2021 है और आज की साकार मुरली को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सुख शांति का वरदान एक बाप से ही मिलता है, कोई देहधारी से नहीं। बाबा आए हैं तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखाने। ये बाबा हम बच्चों को बतला रहे हैं कि सुख और शांति, और वो भी संपूर्ण सुख और संपूर्ण शांति, अल्पकालिक नहीं सदाकालीन, कौन दे सकता है? देखिए, बाबा के पास कोई सुख और शांति वहां रखी हुई नहीं है जो बाबा उठा के दे दे, लेकिन बाबा के पास सुख और शांति सदाकालीन बेहद की प्राप्त कैसे हो, उसका ज्ञान है। जिसके पास चाबी आ जाए तो खजाना मिल जाएगा। खजाना है, चाबी नहीं है तो नहीं होगा। तो बाबा के पास ज्ञान है, वो ज्ञान बाबा हम बच्चों को जो देते हैं, उस ज्ञान से हमारे कपाट खुल जाते हैं और हम लोग उस खजाने, सुख और शांति के अधिकारी बन जाते हैं। किन कारणों से हम दुखी बनते हैं, किन कैसे हम सुखी बन सकते हैं, उसका ज्ञान मिल जाता है। तो जो दुख के कारण उनको हम समाप्त करते हैं, जिनसे सुख मिलता है उसमें। प्रश्न है, बाप के साथ जाने और सतयुग आदि में आने का पुरुषार्थ क्या है? बाप के साथ जाना है तो पूरा पवित्र बनना है। सतयुग आदि में आने के लिए और संग बुद्धि योग तोड़ एक बाप की याद में रहना है। ये बाबा दोनों बातें कह रहे, पवित्र बनो और योगी बनो। बाप के साथ जाना है तो टोटल पवित्र बनना है, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, कोई भी प्रकार का अपवित्रता का अंश ना हो। और सतयुग में आना है, फर्स्ट उसमें आना है, स्वर्ग में आना है, तो उसके लिए बाबा कहता है कि सिर्फ मुझे ही याद करो, माम एकम। ये हमको हो, क्यों बाबा कहता माम एकम? क्योंकि उसी से सब प्राप्तियां हैं, और तो कोई से है नहीं। तो टाइम वेस्ट होगा, जो टाइम वहां लगाते हो बाबा को याद करने में लगाओ। आत्म अभिमानी जरूर बनना है। एक बाप की मत पर चलेंगे तो ऊंच पद का अधिकार मिल जाएगा। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ, रचना रचयिता को पुकारती है। सब उस बाप को पुकारते हैं, ओ गॉड फादर, ओ परम पिता, रहम करो, क्षमा करो। भक्तों का रक्षक एक भगवान ही है। तो पहले पहले ये समझाना चाहिए कि हमको दो बाप हैं। ये जो बाबा कहते हैं ना, दो बाप का परिचय, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि परमात्मा को लोग परमात्मा है, प्रभु है, ऐसा कह करके मानते हैं, लेकिन वो मेरा पिता है। गाया ज़रूर त्वमेव माताश्च पिता, वो मेरा पिता है, उनके साथ हमारा संबंध है, ये बात तो नहीं थी ना। वो संबंध हमें निभाना है, उनके आज्ञाकारी रहना है। कहाँ था हमारे जीवन में? तब बाबा कहते हैं, जैसे शरीर जन्म देता, शरीर को पिता जन्म देता है, तो शारीरिक पिता जैसे अलग होता है, ऐसे शरीर को जो जान देने वाली शक्ति आत्मा है, आत्मा का पिता अलग होता है। ये बाबा कहते परिचय देना जरूरी है। मनुष्य मनुष्य का गुरु बन सद्गति दे नहीं सकता। ना खुद सद्गति पाते हैं, ना औरों को देते हैं।
एक बाप की ही सर्व को, एक बाप ही सर्व को सदगति देते हैं, उस अल्फ बाप को ही याद करना है। कोई भी मनुष्य मात्र मुक्ति, जीवन मुक्ति, शांति और सुख सदा काल के लिए दे नहीं सकते। सुख शांति का वरदान तो एक ही बाप देते हैं, मनुष्य मनुष्य को दे नहीं सकते। ये बाबा ने दूसरा सिद्धांत हमको समझा है। शुरू में बाबा ने कहा मैं ही देने वाला हूँ, अब बाबा कहता है तू मनुष्य मनुष्य का सदगति दाता नहीं हो सकता। जो मनुष्य स्वयं बंधन में है वो दूसरे को कैसे छुड़ाएगा? अच्छा, तो मनुष्य मनुष्य का नहीं हो सकता, तो क्या करना होगा? बाबा से लेना पड़ेगा। भारत को स्वर्ग कहा जाता है जबकि आत्माएं पवित्र सत्वप्रधान थी। तुम जानते हो बरोबर आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग सत्वप्रधान था और इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर बाबा ने कहा कि निराकार शिव की जयंती भी मनाते हैं, परंतु वो क्या करते हैं ये कोई नहीं जानते। हम आत्माओं का बाप शिव है, उनकी हम जयंती मनाते हैं, बाप की बायोग्राफी को भी नहीं जानते। गाया भी जाता है दुख में सिमरण सब करे, तो पुकारते हैं ओ गॉड फादर रहम करो। फिर बाबा ने कहा कि ये रावण, रावण के बारे में बताया कि ये रावण पांच विकार ही बड़े से बड़ा दुश्मन है, जिसका एफजी बनाए जलाते हैं। सत्ययुग में इन लक्ष्मी नारायण का राज था, इन्हों को ये राज्य कहाँ से कैसे मिला ये कोई नहीं जानते। ये समझने की बात नहीं, इसमें अटेंशन देना पड़ता है। फिर बाबा ने कहा कि ज्ञान नेत्र, ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा ही देते हैं। आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है, आत्मा भूल गई कि हमने कितने जन्म लिए हैं। ऊपर है ना नैन हीन कोरा, तो बाबा वो कह रहे कि आकर के शिव बाबा, शिव बाबा को त्रिनेत्री कहते हैं। अब शिव बाबा तो नैन, दो नैन जो हमारे वैसे तो नैन नहीं है बाबा के, लेकिन क्यों कहते हैं त्रिनेत्री? क्योंकि वो तीसरा नेत्र हम आत्मा को प्रदान करते हैं। जब वो तीसरा नेत्र हमको मिलता है तो हम अपनी जीवन यात्रा को देख सकते हैं, जीवन साइकिल को देख सकते हैं, सृष्टि चक्र को देख सकते हैं। ये सब चीज़ें समझ में आती है, मैं कौन हूँ ये भी समझ में आता है। बाबा ने कहा कि सतयुग में जो देवी देवताओं का राज्य था वो कहाँ गया? गाते भी हैं मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, 84 का चक्र कहते हैं, परंतु कौन सी आत्मा 84 जन्म लेती है? जो पहले भारत में आते हैं वे थे देवी देवता, फिर 84 जन्म भोग अंत में पतित बन जाते हैं। फिर आगे बाबा ने कहा बाप आते ही भारत में है, शिव जयंती है ना। ये बाबा ने जो ऊपर कहा था ना शिव जयंती, लोगों को ये नहीं पता वो आकर के करते क्या है, तो बाबा आकर के बताते मैं क्या करता हूँ, तुमको परिचय देता हूँ तुम्हारा, उसके बाद तुम आत्माएं कैसे 84 जन्म लेती हो वो देता बताता हूँ, कैसे तुम वापस जा सकती हो वो बताता हूँ, सुख शांति का वर्षा देता हूँ। तो शिव जयंती क्यों मनाई जाती है बाबा के? तो ये कार्य मैं करता हूँ इसलिए ही मेरे को याद करते हैं, जयंती मनाते हैं। तो बाबा ने कहा कि शिव जयंती है ना, और सभी आत्माएं तो गर्भ में जन्म लेती हैं। बाप कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, जिनका ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। ये समझाने कोई एक को नहीं दी जाती, ये गीता पाठशाला है। मनुष्य को देवता बनाने के लिए ये राजयोग सिखाया जाता है। तुम यहाँ आए हो स्वर्ग की बादशाही
प्राप्त करने जो बाप ही देते हैं। तो बाबा ने कहा गीता पढ़ने से, ये गीता पाठशाला, फिर बाबा ने कहा गीता पढ़ने से कोई राजा बनते नहीं है और ये रंक बन जाते हैं। बाप गीता का ज्ञान सुनाए राजा बनाते हैं, औरों द्वारा गीता सुनने से रंक बन गए। ये बात हमको अप्रोप्रिएट उसमें अंडरस्टैंड करनी है कि ऐसे हम गीता रंक बन गए, पढ़ते आए प्राप्ति क्या हुई? द्वापर युग से कलयुग आ गया, पढ़ाई तो द्वापर में भी थी ना, कलयुग आ गया। जब कलयुग आया तो और अधिक जो दुख अशांति है उसके घेराव में आए, कुछ भी अपने पास शेष नहीं रहा, इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम राव से रंक बन जाते हो। अब मुझे याद करो और संग बुद्धि योग तोड़ो, रहो भल गृहस्थ व्यवहार में, अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, अब देही अभिमानी बनना है, मुझे याद करो तो खाद सब जल जाएगी। इस समय भारत श्रापित है, बहुत दुखी है। अब इस रावण पर जीत पानी है, गाया भी जाता है दे दान तो छूटे ग्रहण, तो ये पांच विकार दान में देने हैं, ये काम कटारी ही मनुष्य को पतित बनाती है। तो ये थे बाबा के महावाक्य, और आज की मुरली से बाबा का वरदान है अपनी स्मृति वृत्ति और दृष्टि को अलौकिक बनाने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। कहा जाता है जैसे संकल्प वैसी सृष्टि, जो नई सृष्टि रचने के निमित्त विशेष आत्माएं हैं उनका एक एक संकल्प श्रेष्ठ अर्थात अलौकिक होना चाहिए। जब स्मृति वृत्ति और दृष्टि सब अलौकिक हो जाती है तो इस लोक का कोई भी व्यक्ति व कोई भी वस्तु अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। अगर आकर्षित करती है तो जरूर अलौकिकता में कमी है। अलौकिक आत्माएं सर्व आकर्षणों से मुक्त होंगी। ये डिपेंड करता है टेस्ट पे। अगर आपको अलौकिकता का टेस्ट आ जाता है ना, तो आपकी आंख कहीं पर भी नहीं डूबती। जिसको वो रस आ जाए उसके लिए सब धराशाही। स्लोगन है दिल में परमात्म प्यार व शक्तियां समाई हुई हो तो मन में उलझन आ नहीं सकती, क्योंकि शक्ति उस उलझन को समाप्त कर रही है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप मैसेज करें या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।